देखिए यहाँ पर आपका स्पेशल इंग्लिश क्लास नंबर 14 है, और जैसा कि ट्रांसलेशन चल रहा था, चैप्टर का नाम क्या चल रहा था? ट्रांसलेशन चैप्टर। अभी ये चलेगा काफ़ी लंबे समय तक, और आज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सात समुंदर पार वाला कॉन्सेप्ट, पार करने वाला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का क्या नाम भैया? सात समुद्र पार करने वाला, है ना, सात समुद्र पार कराने वाला, पार कराने वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट का नाम मैंने रख दिया भाई। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? सात समुद्र पार कराने वाला कॉन्सेप्ट। देख रहे हो, आ सात समुद्र पार करवाएंगे, ठीक है। तो पहले समुद्र का नाम है बिफोर। पहले समुद्र का क्या नाम है? और बिफोर का यूज करना है किसके सेंस में? से पहले के सेंस में। सब लोग सुनो ध्यान से, अभी सबको याद हो जाएगा। अच्छा, दूसरे समुद्र का क्या नाम है? आफ्टर, इसके भाई का नाम। और आफ्टर का यूज किसके सेंस में करना है? के बाद के सेंस में करना है। इतना क्लियर है ना? फिर तीसरे समुद्र का जो नाम है वो है आपका, कुछ तो है, है ना, क्या है? वाइल, WHILE। और वाइल का यूज करेंगे ते समय के लिए, जैसे खाते समय, रोते समय, पढ़ते समय, उड़ते समय, गाते समय, है ना, सुनाते समय, उड़ाते समय, इस तरह से। चलो नेक्स्ट का नाम है कीप, और कीप का यूज करना है आपको ते रहो के केस में। किसके लिए करना है? ते रहो। आज भाई सात समुंदर पार करवा के ना इंग्लिश से मोहब्बत करवा देंगे, देख लेना। क्लियर है? हाउ टू लव टू इंग्लिश, इंग्लिश से कैसे प्यार करें आज सीखो, ध्यान से देखो इसे, है ना। कीप मतलब होता है ते रहो। इसके बाद में आता है आपका स्टॉप, और स्टॉप का यूज आपको करना है बंद करो के सेंस में। किसके सेंस में करना है? बंद करो के सेंस में करना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका स्टार्ट। नेक्स्ट क्या आता है? स्टार्ट। और स्टार्ट का यूज करना है आपको शुरू करो के सेंस में। किसके सेंस में करना है? शुरू करो के सेंस में करना है। और इसके बाद भाई सातवां, डांट के भगाना है, धमकी देना है, और वो है सो बाई। डांट के इसलिए भगाना है, भाई समुद्र मत थोड़ी है, तो बेवकूफ बना रहे हो हमें, हम तो सच में एकदम मतलब पैर वैर वो जो है थोड़ा सा एकदम पानी में घुसने के लिए चप्पल उप्पल उतार के आए, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है? ये बोलना सो बाई, इसके बाद जो भी काम रहे उसमें आईएनजी, और लास्ट में बोलना इफ यू हैव पावर। ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। और इसका यूज करना है किसके सेंस में? दम है तो, फिर डैश रोकर, सुनकर, भागकर, बैठकर, कभी चुराकर, दिखा, है ना, एकदम धमकी के साथ बोलना, दम है तो बैठकर दिखा, या बैठकर दिखाओ, या बैठकर दिखाइए, जो आपकी इच्छा है। आपको ये डिपेंड करता है किस सेंस में बोला जा रहा है। क्लियर है? ये समझ में आया? बस ये, इन सब के साथ में भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देना आईएनजी, इन सब के साथ में। बस यही आपका सातों समुद्र का नाम याद हो गया ना, याद हो गया? यही 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 सातों समुद्र पार करना है भैया। चलो एक बार बताओ सब लोग, बिफोर मीन्स क्या होगा? से पहले। आफ्टर मीन्स क्या होगा? के बाद। वाइल मीन्स क्या होगा? ते समय। कीप मीन्स क्या होगा? ते रहो। स्टॉप मीन्स क्या होगा? बंद करो। स्टार्ट मीन्स क्या होगा? शुरू करो। और सो बाई, इसके बाद जो भी आई एन जी वाला, और इफ यू हैव पावर, दम है तो डैश डैश करके दिखाओ, करके दिखा, करके दिखाइए, है ना, ये सेंस आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर एक एग्जांपल बताते हैं, देखते हैं कौन समुद्र पार करेगा, ठीक है। और उसका नाम है भाई घूरना। उसका नाम क्या है? घूरना। और घूरना की इंग्लिश होती है स्टेयर। घूरना की इंग्लिश क्या होती है? स्टेयर। इनको पार करवाना है भाई। ये बेचारा मेरे पास आया, कहा गुरु जी सात समुद्र पार करवा दो, हम गए आओ पार करवाते हैं, है ना। तो घूरना की इंग्लिश क्या होगी? स्टेयर। अब यहाँ पर पहला बनाते, तो पहला क्या बनेगा? घूरने से पहले। पहला क्या बनेगा? घूरने से पहले। तो आप कहोगे इसको हम बोलेंगे बिफोर स्टेयरिंग,
है ना, क्या बोलेंगे? बिफोर स्टीयरिंग, घूरने के पहले। ये समझ में आ रहा है ना सबको? अगर हम कहते हैं दूसरा, तो आप कहोगे दूसरा हो जाएगा घूरने के बाद। घूरने के बाद इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आफ्टर स्टीयरिंग, घूरने के बाद। मैं कह दूं घूरते समय अच्छा लगता है, दिल को तसल्ली मिलती है ना, घूरते समय तो क्या होगा? While steering, अब भैया घूरते रहो फिर अच्छा लगता है, तो घूरते रहो क्या हो जाएगा? Keep steering। हम कह रहे नहीं नहीं गंदा काम है, घूरना बंद करो, क्या करो? घूरना बंद करो, तो क्या हो जाएगा? हाँ, स्टॉप स्टीयरिंग, घूरना बंद करो। अब करो नहीं नहीं सर जी बंद करने समझा नहीं, आप तो घूरना शुरू करो, घूरना शुरू करो, इसका क्या हो जाएगा? हाँ, स्टार्ट स्टीयरिंग, स्टार्ट स्टीयरिंग, घूरना शुरू करो। क्लियर है? अब यहां पर मान लो मैं कह दूं दम है तो घूर कर दिखा या दिखाओ। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा? सो बाई स्टीयरिंग इफ यू है पावर, है ना। इफ यहां पर हो जाजाएगा यू, और यहां पर है, और यहां पर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? यही आपका जो है छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए भैया यहां पर आपका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, आसान है, सात समुंदर पार कराने वाला कॉन्सेप्ट है। आज हम सात समुंदर पार कराएंगे। देखो सिंपल सा है, बिफोर मीन्स क्या होगा? मतलब से पहले, आफ्टर मीन्स क्या होगा? की बात। व्हाइल मीन्स क्या होगा? ते समय। कीप मीन्स क्या होगा? ते रहो। स्टॉप मीन्स क्या होगा? बंद करो। स्टार्ट मीन्स क्या होगा? शुरू करो। और यहाँ सो बाई इसके बाद आईएनजी वाला, और इफ यू है पावर। यूथ किसके सेंस में करना? दम है तो डैश, जो भी काम करके दिखा या करके दिखाओ या करके दिखाई। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने बताया, अच्छा इन सबके साथ आईएनजी लगेगा। मैंने बताया घूरना, घूरना की इंग्लिश क्या होती है? स्टेयर। घूरना की इंग्लिश क्या होगी? स्टेयर। मैं कहूँ घूरने से पहले बिफोर स्टेयरिंग, घूरने के बाद आफ्टर स्टेयरिंग, घूरते समय व्हाइल स्टेयरिंग, घूरते रहो कीप स्टेयरिंग, घूरना बंद करो स्टॉप स्टेयरिंग, है ना, घूरना शुरू करो स्टार्ट स्टेयरिंग, दम है तो घूर कर दिखाओ, सो बाई स्टेयरिंग इफ यू है पावर। अब देखो क्या होता है, जब एक बार में आप लगातार सात सेंटेंस बोलोगे तो एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ऑटोमेटिक बिल्डअप हो जाएगा, बहुत तेजी से बिल्डअप होगा। क्लियर है? तो अब मैं पूछूंगा, आप लोगों को बताना है। क्लियर है? सबको बताना है, कोशिश करना एक साथ। जैसे मैं कह दूं समझाना की इंग्लिश क्या होती है? एक्सप्लेन होती है। समझाने की इंग्लिश क्या होती है? एक्सप्लेन। मैं कह दूं समझाने से पहले बिफोर एक्सप्लेनिंग, एक काम करो पहले बॉयज बताएंगे फिर गर्ल्स बताएंगे, क्योंकि देखते हैं कौन जीतेगा। ये चीज जरूर रहना चाहिए आप लोग, इसी बहाने पढ़ना शुरू कर। चलो कौन सा लिया था मैंने, हाँ पहले बॉयज या गर्ल्स? चलो पहले गर्ल्स ही बताओ। समझाने से पहले बिफोर एक्सप्लेनिंग, समझाने के बाद आफ्टर एक्सप्लेनिंग, समझाते समय व्हाइल एक्सप्लेनिंग, समझाते रहो कीप एक्सप्लेनिंग, और समझाना बंद करो स्टॉप एक्सप्लेनिंग, समझाना शुरू करो स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, और दम है तो समझा कर दिखाओ सो बाई एक्सप्लेनिंग इफ यू है पावर। क्लियर है? अब बॉयज की बारी है। क्लियर है भैया? अब देखो झांकना की इंग्लिश होती है पीप, झांकना की इंग्लिश क्या होती है? पीप। तो आप शुरू करें झांकने से पहले बिफोर पीपिंग, है ना, झांकने के बाद आफ्टर पीपिंग, झांकते समय व्हाइल पीपिंग, झांकते रहो कीप पीपिंग, झांकना बंद करो स्टॉप पीपिंग, अरे झांकना शुरू करो दम है तो झांक कर दिखाओ सो बाई पीपिंग इफ यू हैव पावर। अब जैसे मान लो कोई कह दे तुमसे इंग्लिश नहीं आता है,
कह दो आना की इंग्लिश क्या होगी, तो कहेंगे कम। कहो अब सुनो बच्चा, क्योंकि तुम आग लगा दिए मेरे अंदर, अब लग गई, अब चलो इसे, है ना, अब शुरू करो। आने से पहले खुद ही अपने आप, आने से पहले बिफोर कमिंग, आने के बाद आफ्टर कमिंग, आते समय आते रहो कीप कमिंग, है ना, और इसके बाद में आना बंद करो, आना शुरू करो, दम है तो आकर दिखाओ। जो तुमसे पूछे वो नहीं सामने से, दम है तो आकर दिखाओ। So by coming if you have power, तो ये थोड़ा सा तुम्हारा एक साइड में बिल्डअप करेगा आपका कॉन्फिडेंस, क्लियर है। अब देखो बिना शोर शराबा करते हो आप लोग, इसे जल्दी से लिखो, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। गुड आफ्टरनून, यहाँ पर है आपका इंग्लिश स्पेशल क्लास नंबर 15 है आपका, है ना। अब 15 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए एन और द। अब यहां पर ए या एन की जो कहानी होती है ये सबको पता है कि ए हो या एन हो इन दोनों को यूज करना है। इसके लिए मैंने एक कोड बताया था इन दोनों के लिए। क्या मैंने बताया था कि शकुनी मामा एसी में बैठते हैं, अनो के साथ बैठते, यही चीज। तो आप लोग याद रखो ए या एन का यूज जो किया जाता है ये किया जाता है एक तो नाउन के लिए, कंडीशन क्या है तो आप कहोगे फॉर नाउन, नाउन के लिए इनका यूज किया जाता है। अब दूसरी कंडीशन है, इनका यूज किया जाता है नाउन के लिए। दूसरी कंडीशन, नाउन कैसा होना चाहिए, तो नाउन होना चाहिए काउंटेबल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, एस से सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो या ए या एन का यूज नाउन के लिए किया जाएगा, लेकिन नाउन काउंटेबल होना चाहिए और नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये समझ में आया, पहले ये बताओ आपको ये कहाँ यूज करना है। अब दूसरा आता है ए का यूज किया जाता है, सी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, सी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जिनको कास लेकर श्रा की आवाज तक बोला जाए। अब क्या कह दो कि आवाज में बोला जाए, जैसे देखो अगर मैं बात करूं यूनियन या मैं बात करूं यूनिट, तो यहां ए लगेगा कि एन लगेगा, क्वेश्चन ये है। तो जब आप इसे बोलते हो ना, तो आप यू यू पहले या बोलते हो, और या क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब जब या व्यंजन है तो आप कहोगे यहां पर क्या लगेगा, ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। अच्छा, हम लोग जो बचपन वाला कॉन्सेप्ट ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता है वो अब डिलीट करो, है ना। जिनको जिनको कॉन्सोनेंट की आवाज में बोले उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। लेकिन जिनको ये भी का मतलब होता है वॉबल साउंड, जिनको वॉबल साउंड की आवाज में बोला जाए, वॉबल साउंड, वॉबल साउंड का मतलब स्वर की आवाज में जो कि आ से लेकर कहां तक होगा, आहा तक होगा, लेकिन इसमें भैया री को छोड़कर, री को छोड़ देना, क्लियर है। जिनको इनकी आवाज में बोला जाए वहां पर क्या आएगा, एन आएगा। जैसे मैं लिख दूं एच ओ एन ई एस टी, तो अभी वैसे देखा जाए इसके पहले क्या लगेगा, अभी बच्चे को दोगे तो बच्चे ए लगा देंगे, वो कहेंगे ए ई आई ओ यू तो है नहीं, लेकिन इसको जब बोला जाता है ना तो इसको बोला जाता है ऑनेस्ट बोला जाता है, इसको ऑनेस्ट बोला जाता है। जब हमने बोलना शुरू किया तो देखो स्वर की आवाज, बड़ा आ क्या हिंदी का स्वर है ना, तो ये स्वर की आवाज है यानी कि वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड के लिए आप क्या लगाओगे, ए नहीं बल्कि एन लगाओगे। ये समझ में आया, ये सबको क्लियर है ना। मैंने क्या कहा कि ए या एन का यूज किया जाता है नाउन के लिए, और किसके लिए, नाउन काउंटेबल होना चाहिए और नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जिनको का से श्रा की आवाज में बोला जाए, समझ पा रहे हैं ना। और एन का यूज वॉवेल साउंड के लिए, जिनको छोटा से अह की आवाज में बोला जाए। आपने यहां पर ए लगाया क्योंकि इसको या की आवाज में बोला गया, या जो कि व्यंजन है। अपने यहां पर एन लगाया क्योंकि इसको आ, बड़ा आ की आवाज में बोला है ना, जो कि क्या है, स्वर है, इसलिए आपने एन लगाया। बताओ यहां तक क्लियर है।
भाई इनका तो कोई पंगा नहीं रहता है, है ना। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ, अगर जैसे मैं कहूँ दे आर एन ऑनेस्ट मैन, एक मैंने ये लिखा और एक मैं लिख रहा हूँ ही इज एन ऑनेस्ट मैन, अब बताइए कौन सा सही होगा। तो आपको आप कह रहे हो नीचे वाला सही होगा। अच्छा ऊपर वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि देखो ये नाउन तो है ना, गिना भी जा सकता है भाई, मेन मेन आदमी, लेकिन ये प्लूरल आ गया, हमें कैसा नाउन चाहिए? सिंगुलर चाहिए, हमें कैसा नाउन चाहिए? सिंगुलर। तो ये गलत हो गया, इसी वजह से गलत हुआ, बाकी सब सही है, बाकी आपका सब सही है। अच्छा दूसरा सही क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर मैन क्या है, आप कहोगे नाउन है, क्या गिना जा सकता है? हाँ काउंटेबल है, क्या सिंगुलर है? हाँ, तो इसको बोला कैसे गया? मैन माँ की आवाज में बोला जा रहा है ना, तो ए लगना चाहिए, एन क्यों लगा? नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, ये भी तो मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एक तरह से गधों वाला दिमाग लगा कर आप बताओ कि भाई लगना क्या चाहिए था? ए लगना चाहिए था ना, लेकिन अब यहाँ पर यही रूल याद करना है, जब किसी नाउन के पहले उसका एडजेक्टिव हो, जब किसी नाउन के पहले उसका एडजेक्टिव हो तो सारा काम तो नाउन के अनुसार होगा, लेकिन एडजेक्टिव का आवाज है ना, इसको बोला जाता है ऑनेस्ट, इसको क्या बोला जाता है? ऑनेस्ट, यानी कि इसके साउंड के बेस पर नहीं चलेंगे, तब हम इसके साउंड के बेस पर हमें क्या लगाना है? एन लगाना। समझ में आया? जैसे नहीं तो आप पता चले मैन नाउन है, काउंटेबल है, अच्छा सिंगुलर है, तो इसके अनुसार नहीं, अगर उसके पहले उसके बारे में यानी एडजेक्टिव आ जाए वहां पर क्या लगेगा आपका? एन लगेगा। इतना समझ में आया? बस यही चीज है, इसे अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो हम सीधा दा पर आएंगे, चाहो तो एक बार शॉर्ट में लिख लो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब आया हमारा दा। अब देखो भैया वैसे दा में तो बहुत नौटंकी है यार, लेकिन एक शब्द में बताने का प्रयास करूंगा, अगर समझ पाओ तो सारी नौटंकी वहीं खत्म हो जाए। दा का यूज करना है जहां पर किसी चीज को किसी को पार्टिकुलर मतलब समझ रहे हैं, स्पेशल का मतलब किसी को खास, जब किसी को खास दिखाना हो, बस काम खत्म, एक लाइन में पूरा दा का यूज खत्म हो जाएगा। अब वो ये क्या बात हुआ, जब किसी को खास स्पेशल दिखाना हो वहां पर दा लगे, है ना। जैसे हम कहें वो किताब जिसको तुमने चुराई है, या ऐसे मैं कहूं, आप ध्यान से देखो, अब यहां बताओ ए होगा कि एन होगा या दा होगा, ठीक है। बुक हैज स्टोलन, या मतलब यू वांट हैज स्टोलन, अब इसका सेंस क्या आ रहा है? वो किताब जिसको तुम चाहते हो उसको किसी ने चुरा दिया, है ना। तो अब आप कह रहे हो इनको हटा देते हैं, अभी दा का यूज हमने क्या किया, किताबों में से उस किताब को खास बना दिया जो कि चोरी हो गई है, मैंने खास बनाया इसलिए यहां पर दा आ गया, क्लियर। अब इसी तरह सभी जो मैंने कहा था ना, सबसे पहले भविष्यवाणी किया था कि पक्का तुम लोग गलत करोगे, अब मैं देखता हूं कि हो सकता है कोई मेरी भविष्यवाणी गलत कर दे, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज या आर कमिंग, बताओ क्या होगा? इज होगा कि आर होगा? द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज होगा कि आर होगा? अच्छा कितने बच्चे इज होगा? हाँ तो क्या करो, एक और लिख रहा हूं, रुको, द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर
ई जो होगा कि आर होगा कम होगा, आर होगा मतलब इसमें आर होगा और इसमें ईच होगा। अब देखो अगर आपको हमने क्या कहा, आपको रूल नहीं पढ़ना, एक लाइन में आप याद रखो, दा का यूज तब आएगा जब किसी को स्पेशल या खास दिखाना हो तो। अब यहां देखो पहले सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर मतलब प्रिंसिपल एंड मैनेजर, इसका मतलब मैनेजर के पहले दा नहीं लगा, इसका मतलब प्रिंसिपल ही मैनेजर है, प्रिंसिपल ही मैनेजर है, इसलिए यहां पर ई आया। लेकिन यहां क्या किया गया, प्रिंसिपल अलग है इसलिए दा ने खास दिखाया, मैनेजर भी अलग है इसलिए मैनेजर को भी खास दिखाया। तो इसका मतलब यहां पर प्रिंसिपल अलग है मैनेजर अलग है, तो इसलिए यहां क्या आएगा, आ रहेगा। लेकिन यहां पर अगर हां दोनों अलग अलग होते तो दा फिर दोनों के पहले आता, एक के पहले आया, इसका मतलब इंसान एक ही है। अब समझ में आया, तो यहां पर क्या होगा, पहले में ई जो होगा दूसरे में होगा आर होगा। मैंने किस कॉन्सेप्ट से समझाया, जब किसी चीज को खास यानी कि स्पेशल बनाना हो तब। जैसे मैं कहूं भाई वो बस्ती देख रहे हो ना, उस घर में आग लगा है जहां मंदिर है, मंदिर के बगल वाले घर में। तो बस्ती में कई सारे घर थे लेकिन वहां पर हम उस घर की बात कर रहे हैं जिस घर में आग लगी हुई, यानी कि घरों में से एक घर को स्पेशल बना दिया, खास दिखा दिया। तो बताओ यहां पर हाउस इज, हाउस इज सेट ऑन फायर, ये सही होगा कि यहां पर द हाउस होगा, द हाउस होगा, द हाउस इसलिए होगा क्योंकि घर में आग लगी हुई इसका। अब यहाँ पर लोग पता है क्या कहते हैं, दा का कोई मतलब नहीं निकलता, अरे दा का बहुत मतलब निकल रहा है, यहाँ दा का उस घर से निकलेगा। अभी मैंने एडवांस लेवल का रूल नरेशन में करवाया था 11th वाले बच्चों को, तो वहां पर क्या मिला था कि बीज है ना, और डैड के जगह पर आप दा का यूज कर सकते हो, आप लोग को भी बताया जाएगा है ना। अभी जैसे जैसे ए एंड द का यूज कंप्लीट होगा हम लोग तुरंत नरेशन या तो एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट कर देंगे, और जब स्टार्ट कर देंगे ना तो भाई बेसिक से एडवांस लेवल तक जब तक नहीं कंप्लीट होगा तब तक चलते रहेंगे, चाहे उसमें 5 दिन लगे या 10 दिन लगे लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर है, तो यही चीज होता है यहाँ पर, द हाउस इज सेट ऑन फायर। अब याद करो आप लोग बचपन में क्या याद करते थे, नदियों के नाम के पहले, धार्मिक किताबों के नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले है, रेगिस्तान के नाम के पहले, जंगलों के नाम के पहले, आइलैंड्स के नाम के पहले, समुद्र के नाम के पहले। अब बताओ इन सब में क्या है यार, समुद्र में कई सारे, समुद्र में से एक दो समुद्र की बात होगी ना, तो एक तरह से कई सारे समुद्रों में से इन सबको स्पेशल तो बनाया। हम कहते हैं दा रामायण होगा कि आ रामायण होगा, आप कहोगे धार्मिक ग्रंथ कई हैं, लेकिन उन धार्मिक ग्रंथ में से कौन से धार्मिक ग्रंथ की बात हो रही है, रामायण, इसका मतलब रामायण को स्पेशल दिखाया जा रहा है, तो आप कहोगे दा रामायण होगा। क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम आपके लैंग्वेज में यानी कि जो किताब में रहता है अगर उसके अनुसार देखा जाए तो सीधा सीधा है कि दा का यूज, अच्छा अगर हम कहें सिमिलर नाउन के लिए तो ए या एन आता है, भाई ए या एन की कंडीशन मैंने क्या बताया, शकुनी मामा है ना, शकुनी मामा को बताया ना, तो शकुनी मामा से क्या याद आया, सिमिलर नाउन, काउंटेबल नाउन और नाउन, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। अब आया प्लूरल नाउन के लिए कौन आएगा, तो प्लूरल नाउन के लिए द आएगा, प्लूरल नाउन के लिए क्या आएगा, द आएगा। क्लियर है। जैसा कि हम कहें बॉयज, ए बॉयज होगा कि एन बॉयज होगा या द बॉयज होगा, तो आप कहोगे द बॉयज होगा। अच्छा ये समझ में आया, द बॉयज होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा है ना, दे देंगे आपके यहाँ ऐसे कुछ भी पूछ लेंगे कि बताइए ऑक्स, ऑक्सन भैया ए आएगा कि एन आएगा या जो द आएगा, ना तो ए आएगा ना तो एन आएगा क्योंकि ऑक्सन ऑक्स का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के पहले द आएगा।
समझ में आया। अगर आने की बात करें तो हाँ, मैंने जानबूझकर, क्योंकि आप लोग का दिमाग तो रन जाएगा, है ना। अच्छा बताओ टीचर्स, बिल्कुल अब तो दिमाग में आ गया ना यही चीज, इसे पहले नोट डाउन करो। बस एक लाइन आप लिखो बस, हाँ एक लाइन लिखो, बाकी किताब वाला जो आप लोग पढ़ते आए हो ना उसे छपवाएंगे। लेकिन भाई इतने तक बात होती तब तो सही रहता, लेकिन यहाँ पर कुछ होते हैं जीरो आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हम आपको पढ़ाएंगे जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल का मतलब जहां ये आपको पढ़ना है कहां पर ए एन द नहीं लगता है, क्योंकि हम हर जगह लगाते हैं।